दोस्तों आज के इस वीडियो में BSNL का एक बहुत बड़े जबरदस्त अपडेट देने वाला हूँ यूपी ईस्ट के बारे में। ये वीडियो बहुत बढ़िया है, मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे काम एक साथ हो रहा है यूपी ईस्ट में, और होगा भी क्यों नहीं, क्योंकि यूपी में अयोध्या है और अयोध्या में राजा राम है। ठीक है, इसीलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा यूपी ईस्ट के बारे में, जहाँ पर BSNL 4G जो है लॉन्च हो चुका है। दोस्तों रिपोर्ट के थ्रू ये पता चलता है कि यूपी ईस्ट सर्किल में 800 BTS सिग्नल टावर दिया गया है। 10 डेज के अंदर इसका सप्लाई जो है शुरू हो जाएगा। ठीक है, BSNL के मुख्य प्रबंधक राजेश कुमार सोनी ने बताया है कि यूपी ईस्ट में टोटल 6,000 BSNL टावर में काम चल रहा है। ठीक है, कंटिन्यू है। 50 अलग से सर्विस सेंटर भी शुरू किया जा रहा है। ठीक है, इसका भी काम चालू हो चुका है। यूपी ईस्ट में 20 लाख BSNL यूजर्स हैं। यूपी ईस्ट में 20 लाख BSNL यूजर्स हैं, जिसमें से 40,000 यूजर्स ऐसे हैं जो कि पोस्ट पेड सिम यूज करते हैं। ठीक है, यूपी एक बहुत ही बड़ा लोकेशन है, बहुत ही बड़ा स्टेट है, यहाँ पे लोक संख्या भी सबसे ज्यादा है और BSNL यूजर्स भी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, टोटल यहाँ पर ऐसे 100 गांव है, टोटल 100 ऐसे गांव है जहाँ पर कोई भी नेटवर्क नहीं है, किसी भी कंपनी वहाँ पर काम नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर यूजर बेस ही कम है, बहुत ही कम लोग हैं जो कि मोबाइल वगैरह यूज करते हैं, सिम वगैरह यूज करते हैं, डेली का डेली रेगुलर रिचार्ज करते हैं, उस तरह का लोग नहीं है, बहुत कम है, इसलिए वहां पर कोई भी नेटवर्क नहीं है। लेकिन टोटल 100 गांव को यहां पर आइडेंटिफाई किया गया है, जहां पर BSNL बहुत जल्दी अपना 4G टावर इंस्टॉल करेगा। उसके साथ साथ लखनऊ के लखनऊ एरिया जैसे ऐसे बहुत सारे एरिया है जहां पर ये न्यू कॉलोनी जो है, बहुत जल्दी जल्दी न्यू न्यू कॉलोनी वहां पर स्थापन हो रहा है, उसके साथ साथ बहुत तेजी से यहाँ पर विस्तार भी हो रहा है। ठीक है, इसीलिए ये जो जगह है इसको मद्देनजर देखते रखते हुए BSNL यहाँ पर 500 न्यू टावर लगाएगा। ये भी BSNL ने डिसीजन ले लिया है और इसका जो काम है ये भी एक हफ्ते के अंदर शुरू होने वाला है। ठीक है, उसके साथ आपको ये बताना चाहता हूँ दोस्तों, हाँ, कि टोटल यहाँ पर मतलब यूपी के अंदर टोटल 30 लाख ऐसे BSNL यूजर्स है जो कि बंद पड़ा है, एकदम BSNL यूजर जो है वो अपने सिम को बंद करके रख दिया है। ठीक है, मतलब टोटली BSNL सिम बंद है, 30 लाख ऐसे लोग हैं। ठीक है, तो इसको मद्देनजर रखते हुए BSNL यहाँ पे कुछ ऑफर्स का प्लान लॉन्च करेंगे, जिसको 30 लाख यूजर्स को बताया जाएगा और वो लोग फिर से BSNL में वापस आ सकता है। एक बार यहाँ पर 450 रुपीज का एक प्लान लॉन्च किया गया था, जो लोगों का सिम टोटली बहुत दिन तक बंद है, ठीक है, यूज ही नहीं करते हैं, उन लोगों के लिए 450 रुपीज का प्लान लॉन्च किया गया था और इसमें एक साल का टोटल वैलिडिटी दिया गया था। ठीक है, सर्विस भी बहुत हद तक था, एक साल तक टोटल वैलिडिटी इसका दिया गया था। ठीक है, जब ये चालू हुआ था तब 50,000 लोगों ने BSNL को अपनाया था। ठीक है, अभी फिर से ये शुरू होगा, इस तरह का कुछ ऐसे प्लान्स लॉन्च होगा जिसमें बहुत ढेर सारे ऑफर दिया जाए और वैलिडिटी भी लॉन्ग टर्म रहे, तो BSNL का वो बंद पड़ा हुआ सिम फिर से वापस आ सकता है। इसके बारे में विचार हो चुका है और बहुत जल्दी इसके ऊपर भी काम शुरू हो जाएगा। और यहाँ पर 35,000 ऐसे गांव हैं जहाँ पर हाई स्पीड ब्रॉडबैंड का काम जो है शुरू हो चुका है, ऑप्टिकल फाइबर का काम जो है शुरू हो चुका है। तो यूपी ईस्ट में इस तरह का बहुत सारे काम जो है BSNL के तरफ से शुरू कर दिया गया है। ठीक है, और इसके पीछे का कारण आपको पता ही है, यहाँ पर अयोध्या राजा राम होने वाले। ठीक है, इसीलिए BSNL के ऊपर भी बहुत हद तक जोर दिया जा रहा है और BSNL का एम्प्लॉयज भी वहां पर, यूपी में जो BSNL एम्प्लॉयज है वो भी बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं, ये भी मुझे बहुत हद तक सुनने को मिला है। ठीक है, तो इसके बारे में आपका क्या राय है नीचे कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को पसंद आने पर लाइक जरूर कीजिए और उस तरह का BSNL रिलेटेड अपडेट न्यूज जानने के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि हर दिन के 8:30 बजे मैं आप सभी के लिए BSNL रिलेटेड न्यूज लेकर आ जाता हूँ। आज के लिए इतना ही, गुड बाय एंड टेक केयर।